झारखंड की टीम नाल चंडीगढ़ का मैच है। ये दूजी टीम भी पहुंच गई है ते हुण दोहां टीमां विचकार ये बहुत ही वधिया मैच होने दियां संभावनावां इत्थे बनी हुई है कोर्ट नंबर दो ते। अपना होते तो गजल कौन कहता और आपके चेहरे को कमल कौन कहता, ये करिश्मा है मोहब्बत का वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। After first half, score of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Please give me an information about the score of Tamil Nadu. Tamil Nadu with 7 points lead, playing with confidence in court number 3 against Andhra Pradesh. Tamil Nadu ke paas 7 points ki lead hai. हेलो 48वीं राज्य स्तरीय जूनियर राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में आज तृतीय दिवस में हमारे मंच पर सम्मानित उत्तराखंड के कार्यकारी अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय विद्यार्थी जी का आगमन हुआ है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और सभी मंचासीन अतिथियों को हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। इस सत्र में हमारे मध्य आदरणीय श्री पद्म सिंह गौतम जी, वरिष्ठ समाज सेवी महोबा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर बुंदेलखंड हमारे मध्य उपस्थित हैं। सर्विस सेवा में से आप नेशनल कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं। आपने इस प्रतियोगिता में अपनी उपस्थिति देकर के हमारे इस मंच की भव्यता को बढ़ाया है। मैं आपका पुनः हृदय से आभार और आपका सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ ते झारखंड दी टीमां विचकार ए मैच शुरू हो गया है। देखिए, जैसा कि कल से अनाउंसमेंट हो रहा है कि उत्तराखंड देवों की भूमि है और यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वो उसी तरह का आचरण भी करते हैं। यहाँ अभी एक सरदार जी का पर्स जो कि रुपयों से भरा हुआ था और हमारे जो इस कार्यक्रम में सेवक की भूमिका में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, इनमें श्री जोगेंद्र कुमार जी और वीरेंद्र सिंह जी, इनको वो पर्स मिला है और उन्होंने वो पर्स सम्मान उस व्यक्ति को दे दिया है। मैं चाहूँगा कि इनके ईमानदारी पर आप सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें और इन्होंने मानवता की जो मिसाल पेश की है, मैं आप दोनों भाई बंधुओं का पूरे आभार ज्ञापित करता हूं। ये भाई, ये सृष्टि चली जब तक रही है जब तक सच्चाई जिंदा है और ईमानदारी जिंदा है, जब तक मानवता जिंदा है
इंसानियत बाकी है। आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है और पुरुषों को जागृत करने के लिए सन 1999 से आज तक अविरल रूप से 19 नवंबर को पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि पुरुष वर्ग अपने लिए जोरदार तालियां बजा ले भाई। और वहीं दूसरी ओर आज महारानी लक्ष्मी बाई का जन्म दिवस है, महिलाओं से भी चाहूंगा कि आप ऐसी रानियां बने। और बाहर से भी ऑफिशियल साथी आए हैं, आयोजक कमेटी का सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन। कॉट नंबर 1, 2 और 3 पर लगातार मैच जारी है। लाख दलदल है पर पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना। तमिलनाडु इज वेरी वेरी लकी, सक्सेसफुली टैकल टू रेडर नियर बाय सेंटर लाइन। हेलो, फर्स्ट कॉल महाराष्ट्र वर्सेस राजस्थान, पंजाब वर्सेस दिल्ली। फर्स्ट कॉल महाराष्ट्र वर्सेस राजस्थान, पंजाब वर्सेस दिल्ली। आई रिक्वेस्ट टीम मैनेजर टू काइंडली गेट ए टीम रेडी। तमिलनाडु की टीम से 5 को बाहर बैठना पड़ता कम से कम, मिनिमम 5 प्लेयर्स विल गो आउट इफ इनक्रीज एंड क्रॉस टू सेंटर लाइन बाय रेडर। यदि रेडर पार कर लेता सेंटर लाइन को तो 5 अंक मिलते कम से कम आंध्र प्रदेश को। बोनस इज ऑफ अगेंस्ट रेडर ऑफ तमिलनाडु ओनली। मेड एन चांस फॉर टचिंग। नो चांस टू रिकवरी। बहुत बढ़िया भाई, मैं आयोजकों ने जो योजनाबद्ध तरीके से हर सुविधा खिलाड़ियों को मैनेजर्स कोचिज के लिए यहाँ पर दी है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने यहाँ पर ये आयोजन तो कराया ही और ये इतिहास के पन्नों में तो दर्ज होगा ही, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये भी दर्ज होगा कि उन्होंने किसी को भी मक्खी के मुंह के बराबर भी शिकायत करने का मौका नहीं दिया। खाने पीने की व्यवस्था शानदार, आपके ठहरने का लाजवाब यहाँ पर, और हर जलवायु और हर राज्य के खिलाड़ियों के मुताबिक खाना यहां पर बन रहा है, तो किसी की शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है। भाई मेरे पास ये लाल रंग का बैग और लाल रंग के सूज हैं, अगर किसी के हो तो यहां से ले लें। You can receive your red color bag or shoes. There is both things available nearby me. अच्छा भाई, जिनके उन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया वो सब नाश्ता कर।
बहुत ही बढ़िया भाई रनिंग हैंड टच करने की कोशिश की कोर्ट नंबर तीन पर, लेकिन रेडर अपने मकसद में सफल नहीं हो सके आंध्र प्रदेश के। वेरी गुड, लवली एंकल होल्ड बाय कॉर्नर 12 नंबर प्लेयर। अपने माइंड गेम को चंडीगढ़ की टीम को चेंज करना पड़ेगा। चंडीगढ़ की टीम नू अपने माइंड गेम नू चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बड़े ही पीछे चल रही है। लास्ट 2 मिनट टू गो इन एंड ऑफ दिस मैच। That is in progress on court number 2. सिर्फ 2 पॉइंटा तो काम चलन वाला नहीं है चंडीगढ़ का, इन्हों बड़ी तेजी नाल फेर बदल करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया पॉइंट भाई, ये पॉइंट तो पहला ही आ गया सी, पर झारखंड की टीम ने अपने कार्यक्रम नू जारी रखे। बहुत ही वधिया एंकल होल्ड, झारखंड की टीम ने किसी भी मौके ते अपने आप नू कमजोर नहीं साबित किया। 1 मिनट हुण मैच खत्म होने दे विच बची हुई है, चंडीगढ़ दे हारण दी ते झारखंड दे जीतण दी संभावना बहुत ही ज्यादा ने। हुण जिन्ने भी पॉइंट चंडीगढ़ दे बनणगे ओ इन्हां दी हार दा डिफरेंस खत्म करन दे विच कामयाब हो सकते ने, नहीं तां हार तो नहीं बच सकती। ओही डिसीजन आ गया है, रिजल्ट आ गया है, झारखंड की टीम बड़े मार्जिन नाल जीतन विच कामयाब हो गई है। कोई हिंदुत्व के इस्लाम ना पूछा जाए और मरने के बाद का एक पासे गोवा ते असम दी टीम खेड रही है ने, दूजे पासे आंध्र प्रदेश ते तमिलनाडु दी टीम खेड रही है ने, बीच वाला जेड़ा कोर्ट है वो हुण खाली हो जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि कदमों के निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो, लास्ट एंड फाइनल कॉल विदर्भ वर्सेस बिहार। आई रिक्वेस्ट यू मैनेजर टू काइंडली सेंड इमीडिएटली कोर्ट नंबर 3।
जय भाई, तमिलनाडु की टीम ने अपना शिकंजा, अपनी पकड़, अपना दबदबा कायम कर लिया है। यस, टैकल टू तमिलनाडु एंड बोनस टू आंध्र प्रदेश। आसाम की टीम को अपने पूरे दलबल के साथ बनने के लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। कोर्ट नंबर एक पे सफर की हद है, वहां तक की कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाई कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। गोवा आसाम मैच खत्म हो गया। गोवा 31 आसाम 14, इजीली विन किया गोवा ने ये मैच।